अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज पढ़ना है डिवीजंस ऑफ नर्वस सिस्टम। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये फिगर में आप देख सकते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दिखाया हुआ। एंड सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और इसमें होती हैं नर्व्स और गैंग्लियन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवीजन देखते हैं तो एक ब्रेन होता है और सेकंड थिंग इसमें जो इम्पोर्टेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड। नाउ वी एक्सप्लेन ब्रेन। ब्रेन इन एनिमल्स ऑल लाइफ एक्टिविटीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। एनिमल्स की बात करें इनमें तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं। सोना, जागना, हंसना, खेलना, भागना, दौड़ना, गुस्सा करना, रोना, सारा कुछ ब्रेन कंट्रोल करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज़ सूटेबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन। ब्रेन की साख्त ये काम करने के लिए मुनासिब होती है, उस तरह से ब्रेन को बनाया गया है। ब्रेन इज़ सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी क्रेनियम। ब्रेन हड्डियों की बनी हुई क्रेनियम के अंदर होता है जो कि स्कल का एक हिस्सा है, स्कल का पार्ट है। इसमें देखें ग्रीन एरिया सारा क्रेनियम बोन्स हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। अगर इन्हें रिमूव कर दें तो नीचे से ब्रेन ज़ाहिर होता है। इनसाइड द क्रेनियम ब्रेन इज़ कवर्ड बाय 3 layers कॉल्ड मेनिंजेस। क्रेनियम के अंदर ब्रेन मज़ीद 3 layer से कवर होता है जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। मेनिंजेस प्रोटेक्ट द ब्रेन, आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन थ्रू देयर कैपिलरीज। मेनिंजेस ब्रेन को 3 ways से सपोर्ट करती हैं। नंबर 1 प्रोटेक्शन देती हैं, नंबर 2 अपनी कैपिलरीज के थ्रू न्यूट्रिएंट्स देती हैं और नंबर 3 ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। ब्रेन कंटेन फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स दैट आर कंटिन्यूस विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसके पास फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल के साथ कनेक्टेड होते हैं। फ्लूइड विद इन वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल इज कॉल्ड एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो फ्लूइड वेंट्रिकल्स के अंदर होता है या सेंट्रल कैनाल के अंदर होता है उसे कहते होते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। डिवीजंस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन को 3 major डिवीजंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द फोर ब्रेन, सेकेंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज द हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इट इज मोस्ट हाईली डिवेलप्ड इन द ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर ये हाईली डिवेलप्ड होता है, बहुत ज्यादा डिवेलप्ड होता है ह्यूमन में फोर ब्रेन। मिड ब्रेन लाइज बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन एंड कनेक्ट दीज, इन दोनों को कनेक्ट करता है और इनके इन बिटवीन लोकेट करता है। इसका काम होता है कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और इनको सेंड कर देता है टू द एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंट्रोल्स द ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर। ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस यानी जो हमारी सुनने से मुतालिक इंफॉर्मेशन होती है उनको कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी की पोस्चर्स को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन ये लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर पड़ा होता है। इसका काम होता है कि ये हमारी ब्रीदिंग को, हार्ट बीट रेट को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये हमारे मसल्स की मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है।